आप सब लोग एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल व्लॉगर भाई पे। तो दो मिनट पहले तक मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि अभी ये व्लॉग होने वाला है और ये एक फूड व्लॉग होने वाला है। यार कुछ भी पता नहीं था, बहुत ही सडनली प्लान हो गया है व्लॉग बनाने का। तो अच्छा खासा भरा, मैं अभी किचन में लाटे बना रहा था अपने लिए। लाटे तो मैं बना ही रहा था, लाटे आपको क्या है पता नहीं, तो ये वाला है नेस्कैफे लाटे, ये तो मैं बना ही रहा था। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बना रहा था। देखो पानी भी उबल चुका है, यहाँ पे पानी भी पूरा उबल ही चुका है। अब देखते हैं यार, चलते इसको बंद करके। एंड मुझे अचानक से फोन आया। एक तो घर है क्या नो? के मामा ने बोला कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है, रेडी हो, चल हम लोग मिदनापुर जा रहे हैं मुर्ग मुसल्लम खाने। तो यार टिकटॉकरों की तरह मुझे कपड़े बदलने पड़े एंड चले चलते हैं यार, नहीं तो लेट हो जाने पर वो चले जाएंगे अकेले। चले इसका वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कुछ देर बाहर वेट किया क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद हमारा ऑर्डर आया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। तो बात ऐसा है कि वो जो पूरा चिकन का पीस है वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, पतला एक तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिससे कि वो फैल ना जाए। तो उसी को अभी मतलब खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर उसको नहीं खोलेंगे तो यार खाएंगे कैसे, और इसीलिए उसे छोटा छोटा लग रहा है। जब खुल जाएगा देखिएगा कितना बड़ा लगने लगेगा वो। मानो या ना मानो बट ये चिकन बहुत ही टेस्टी है यार, ग्रेवी के साथ तो और भी मस्त लग रहा है खाने में। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर से आइए और इसको ट्राई कीजिएगा। और ये भी बता देता हूँ कि एक्चुअली ये चीज़ दो जन के खाने के लिए नहीं है। आप अगर मिनिमम तीन या चार जन होंगे तो फिर बेटर रहेगा, क्योंकि दो जन खाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। एंड अगर तीन या चार जन रहेंगे तो फिर चिकन को भी आराम से खा सकते हैं। उसके साथ इतना ग्रेवी भी है फुल प्लेट में, उसके साथ आप लोग कोई भी रोटी का आइटम ले सकते हैं, लाइक रुमाली रोटी या फिर तंदूरी रोटी, नान या कुछ भी ले सकते हैं। आराम से चार लोगों का खाना निकल जाएगा। एंड बाकी अगर अलग अलग कुछ चीज़ें लेने जाएंगे, लाइक कुछ भी राइस का आइटम या रोटी का आइटम, सबको अगर अलग अलग लेने जाएंगे तो फिर आपका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, और इसको अगर लेंगे तो आपका खर्चा कम पड़ेगा। तो इसका रेट है, इस मुर्ग मुसल्लम का रेट है 580। खाते खाते घंटा भर हो गया है फिर भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी ये बाकी है, अभी ये चबा रहे हैं।
कैसा लग रहा है एक बार थोड़ा रिव्यू? अंडा बाकी है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, तीन अंडा बाकी, ग्रेवी यहाँ पे, सलाद खत्म नहीं, और ये स्पेशल खत्म की दवाई। A few moments later. तो ये लास्ट पीस अभी ख़त्म हुआ है, फिर भी हम अभी अंडा चबा रहे हैं, अंडा ख़त्म नहीं हुआ है, पेट भर गया, ग्रेवी भी कितना था एंड वो भी ख़त्म हुआ। तो हमारा मुर्ग मुसल्लम खाना यहीं पे ख़त्म हुआ, तो काफ़ी बड़ा था यार, पेट पूरा जाम हो गया। मामा कैसा लगा बताइए थोड़ा? बहुत बढ़िया था। दो जनों ने मिलके खाया, उनको थोड़ा प्रॉब्लम था तो उन्होंने नहीं खाया, हम दोनों मिलके खाए, बट थोड़ा सा ओवरलोड हो गया, चार जन रहते तो फिर ज़्यादा डिजायरेबल रहता और भी, बट जो भी अच्छा था। अब घर चल के बात करते हैं, पेट काफ़ी भर गया है, तो चलते घर, फिर करते वीडियो क्लोज। तो गाइस, घर आने के बाद मेरे अंदर और ताकत नहीं बचा हुआ था व्लॉग कंटिन्यू करने का, तो आज ही मैं 3 दिनों के बाद कंटिन्यू करके आप सभी को पेश कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आया तो ठोकिए लाइक यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। और गाइस, मैंने ये भी चेक किया है कि जो मेरे व्यूअर्स है वो मैक्सिमम नॉन सब्सक्राइब्ड है, तो यार अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबाइए जल्दी, ठीक है? तो मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, टिल देन बाई।